नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। अमेरिका के सबसे बड़े कोविड एक्सपर्ट एंथनी फौची की चेतावनी, कहा वैक्सीन के डोज में गैप बढ़ने से संक्रमण का खतरा है ज्यादा। ब्रिटेन में जुटे G7 के नेता, दुनिया के 7 बड़ी इकोनॉमीज की मीटिंग हुई, वहीं चीन इसका हिस्सा नहीं रहा और मोदी वर्चुअली जुड़े। नेपाल में राजनीतिक उठापटक है जारी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ओली को एक विपक्षी नेता ने जान से मारने की धमकी दी। चीनी हैकर्स ने बनाया रूसी सरकार की वेबसाइटों को निशाना, गोपनीय डेटा चुराने की कोशिश की गई। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर अवार्ड, चीन के हिरासत कैंपों का किया था खुलासा। मेक्सिको अमेरिका सीमा पर दीवार बनाने की ट्रंप की महत्वाकांक्षी परियोजना को बाइडेन प्रशासन ने दिया एक बड़ा झटका। ब्रिटेन के सख्त रुख के बाद गूगल ने खींचे अपने पांव वापस, वहीं वापस लेगा एयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। संकट में भारत की मदद कर रहा है अमेरिका, क्वाड के माध्यम से देश को मिलेगी अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन। 26 जून को देश भर के राजभवन पर किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम पर हुआ आतंकी हमला, 3 पुलिसकर्मी हुए शहीद। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टरों की मौत हुई, बिहार और दिल्ली में सबसे अधिक डॉक्टरों की जान गई। बिहार में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में संशोधन पर केंद्र की फटकार, कहा तय गाइडलाइंस का पालन करे राज्य। सख्ती के बाद ट्विटर को भारत में दिखने लगा बड़ा बाजार, नियमों के मुताबिक रणनीति बनाने के लिए रखेगा स्टाफ डिजाइनर। IT रूल्स 2021 के तहत टीवी चैनलों, अखबारों के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म IT नियमों के दायरे में होंगे, वहीं सरकार ने छूट देने से किया इनकार। बच्चों में कोरोना संक्रमण के बचाव और इलाज के दिशा निर्देश हुए जारी, रेमडेसिविर के प्रयोग से लेकर दिए गए सभी जरूरी टिप्स। 3 nm से छोटे एरोसेल कण जलवायु को कर सकते हैं प्रभावित, भारत में एक शहरी स्थान पर खोजा गया। तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड के हर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर बनेंगे जांच केंद्र, सप्ताह में 3 दिनों तक होगा काम। लातेहार में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया, वहीं घटनास्थल पर से 4 हथियार समेत कई विस्फोटक सामान भी हुए बरामद। आज शाम से पूर्ण लॉकडाउन, इसलिए बेवजह निकलना पड़ेगा महंगा, मेडिकल शॉप छोड़ सभी दुकानें रहेंगी पूरी तरीके से बंद। सरयू राय ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, बेतला रेंज में दीवार खड़ी कर रहा वन विभाग, हटाने का आदेश दे। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर लगा रोक, 51 दिनों में 40,000 से घटकर 4,220 पर पहुंचा आंकड़ा। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में खुलेगा IIT एक्सटेंशन सेंटर, सिलेबस भी होंगे अपग्रेड। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस हो रहा है जानलेवा, पटना में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की हुई मौत। बिहार में एंटीबॉडी कम बनने से 400 से अधिक लोगों को दोबारा हुआ कोरोना, 99% मरीजों ने दी वायरस को मात। नालंदा में पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रही थी महिला, जिसे ट्रैक्टर ने कुचला, मौत के बाद हुआ बवाल, 2 घंटे से ज्यादा समय तक सड़क किया गया जाम। बिहार में कोरोना के आंकड़ों में हो रही लापरवाही, आज पटना हाई कोर्ट में होगी इसकी सुनवाई। शार्दुल ठाकुर के कोच दिनेश लॉर्ड बोले, WTC फाइनल में ईशांत को बाहर रखना होगी सबसे बड़ी भूल, शार्दुल तभी खेल पाएंगे जब टीम इंडिया 4 पेसर के साथ उतरे। टेस्ट में कोहली वर्सेस विलियमसन, 3 साल में विराट ने विदेश में विलियमसन से 4 टेस्ट ज्यादा जीते, बतौर कप्तान रन औसत भी 123% ज्यादा। बिहार की स्टार महिला पहलवान विनेश ने पोलैंड ओपन में जीता गोल्ड मेडल। सोमवार से 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेगी श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। साथ ही इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।